भाई अपने पीसी की छोटी स्क्रीन में गेम्स खेलते खेलते और 43 इंचेस की टीवी में मूवीज निपटाते निपटाते मेरे दिमाग की दही हो चुकी थी, तो मैंने सोचा यार कुछ नया ट्राई करते हैं। और वेल तो भाई मैं थिएटर में नहीं गया बल्कि थिएटर को अपने घर ले आया, जिसमें मूवीज गेम्स सारे ऐप्स सब चलते हैं। ये एक LED प्रोजेक्टर है विद 4K सपोर्ट। कौन सा प्रोजेक्टर है और इसका प्राइस वगैरह ये सब आगे बताता हूँ, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके अच्छे से इसको टेस्ट करेंगे। तो गाइज ये रहा प्रोजेक्टर का बॉक्स, बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड मिनिमल सी पैकिंग है इसकी। साइड में कुछ एक फीचर्स वगैरह है, बेसिक डिटेल्स है, तो उन पर ना जाकर सीधे इंटरेस्टिंग चीजों पर आ जाते हैं। इनसाइड द बॉक्स सबसे पहले ये 3 डिफरेंट टाइप्स की केबल्स मिल जाती है, और ये केबल्स है कौन कौन सी, तो एक है पावर केबल, RCA केबल एंड HDMI केबल, यानी कनेक्टिविटी के बेसिकली A to Z सारे ऑप्शंस हैं इसमें। एंड इसके रिमोट का जो डिजाइन है वो सीरियसली बहुत आई कैचिंग है, बहुत यूनिक रखा गया है। बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में आता है, एंड कहना पड़ेगा यार इट फील्स सो लाइट इन हैंड्स, बहुत हल्का है, फील्स वेरी प्रीमियम। एंड दोस्तों ये रहा इन सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज का पापा, दी मेन आइटम हमारा प्रोजेक्टर। ये है इसकी ब्रांडिंग, लेजर विजन, फुल HD नेटिव है बट सपोर्ट्स अप टू 4K रिजोल्यूशन। नीचे साइड इसमें ये हाइट को एडजस्ट करने वाला स्क्रू दिया गया है, जिसे निकालकर आप प्रोजेक्टर को अपने अकॉर्डिंग वाली हाइट पर सेट कर सकते हो। साइड में है ये डस्ट फिल्टर, जहां से हीट भी डिसिपेट होती है और डस्ट इसके अंदर ना जा पाए उसके लिए इसमें एक फिल्टर लगा हुआ रहता है। निकाल कर दिखाता हूं, ये ब्लैक वाला, इसे आप टाइम टू टाइम क्लीन भी कर सकते हो। एंड भाई इतने सारे पोर्ट्स हैं पीछे, मतलब अगेन एज आई सेड कनेक्टिविटी के A to Z सारे ऑप्शंस हैं। तो ये कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो वेल पोर्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें एक पावर केबल वाला पोर्ट है, RJ45 पोर्ट, हेडफोन्स एंड AV, दो HDMI पोर्ट्स एंड दो USB पोर्ट्स, मतलब पेन ड्राइव में मूवी डाउनलोड मार के उसे इसमें लगा कर भी देख सकते हो आप। और स्पीकर इसका ये ऊपर साइड ही रहता है, एंड ये है इसका लेंस विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप। तो ये एक प्रोजेक्टर स्टैंड मैंने पहले से ही लगवा रखा है वॉल पर, ये आपको 200-300 रुपए में ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसी में हम रखेंगे प्रोजेक्टर को, एंड लेट्स सी भाई इसमें कितना दम है। तो प्रोजेक्टर को तो रख लिया है, इफ आपको प्रोजेक्टर की हाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा करनी हो तो ऐसे इस स्क्रू को लूजन या टाइट करके आप इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हो। ये एक बहुत काम का फीचर इस प्रोजेक्टर में। अब लगा लेते हैं इसकी पावर केबल। ये केबल वही पीछे जो इसका पावर वाला पोर्ट है उसी में लगेगी, एंड प्लग ऑब्वियसली सॉकेट में लग जाएगा। स्क्रू बंद कर देता हूं बिकॉज मुझे इसकी हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज सेट, नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। सो इसे रिमोट से कर लेते हैं ऑन, डायरेक्ट ऊपर वाली बटन से भी ऑन ऑफ कर सकते हो इसे आप। एंड ये फीचर इसका सबसे ज्यादा OP है, ऑटो फोकस वाला, मतलब दूसरे प्रोजेक्टर्स में वॉल पर स्क्रीन का अलाइनमेंट और फोकस खुद से 10 घंटे एडजस्ट करना पड़ता है, बट ये प्रोजेक्टर वॉल पर स्क्रीन को एकदम सीधा अलाइन करके फोकस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपके लिए। स्क्रीन साइज की बात करें तो ये जो स्क्रीन है ये 120x84 इंचेस की है, फुल स्क्रीन साइज इसका 200 इंचेस तक चला जाता है। मेरी तो वॉल ही 10 फीट की है, अब सोच कर देखो 20,000 से 25,000 रुपए में एक 43 इंचेस की टीवी मिलती है, और लगभग इतने ही पैसों में आप ये 200 इंचेस का प्रोजेक्टर ले सकते हो। तो दोनों में बेटर ऑप्शन कौन सा है भाई, बहुत क्लियर है, और शायद इसीलिए आजकल लोग प्रोजेक्टर्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। एनीवेज तो गाइज इसमें प्ले स्टोर से आप अपने मनपसंद एप्स वगैरह सब डाउनलोड मार सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, काफी सारे एप्स इसमें इनबिल्ट ही आते हैं। तो चलो प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से एप्स अवेलेबल हैं इंस्टॉल करने के लिए। एंड बाय द वे गाइस 5G वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है मैंने इसे, तो मतलब ये 5G प्रोजेक्टर है, 5G हॉटस्पॉट सपोर्ट करता है, तो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग बिल्कुल आपकी इसमें मक्खन की तरह होगी विदाउट एनी बफरिंग। प्राइम वीडियो चलाकर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, मिर्जापुर रीचर पोचर घोचर जाने क्या क्या भरा पड़ा है। तो प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, सब कुछ एकदम धड़ाधड़ चल रहा है विदाउट एनी इशू, हैंग वैंग कुछ नहीं करता, ये स्मूथली चल रहा है। चलो कुछ तगड़े मूवी सीन्स देख लेते हैं यार। एंड गेमिंग के अलावा गाने वाने सुनने हो तो स्पॉटिफाई भी चला सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो भाई 43 इंचेस की टीवी और 200 इंचेस के प्रोजेक्टर में फर्क तो है भाई, मतलब बहुत बड़ा ही फर्क है। सीरियसली थिएटर वाला फील आता है इससे, बस एक होम थिएटर और ऐड कर लो इसके साथ। मतलब इसका जो स्पीकर है वो भी ठीक है, उससे भी आपका काम चलेगा, मजा आएगा, बट यार यू नो होम थिएटर की बात ही अलग होती है। तो ओवरऑल यार मूवी वगैरह देखने का एक्सपीरियंस आपका एकदम इससे बदल जाएगा, सच कह रहा हूँ। थिएटर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फीचर्स भी इसके काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगे मुझे, स्पेशली वो ऑटो फोकस ने मुझे बहुत इंप्रेस किया। तो चलो फेस रिवील तो इसका अब हो गया, नेम रिवील कर दें, ये है लेजर विजन LV922। और प्राइस यार मानता हूँ लाइक थोड़ा अपर सेगमेंट में आता है, बट यार फीचर्स को देखें तो प्राइस इसका जस्टिफाइड है, बिकॉज ये 10-15 हज़ार वाले प्रोजेक्टर्स को इजीली बीट कर देता है। सो फिलहाल इसका प्राइस है 24,940 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 25K। बट मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर लो तो फिर एक बार लो, ढंग का लो, लाइक इफ बजट अलाउ करे तो। सो दैट वॉज इट यार, अब आपकी बारी, वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, एंड इफ नए हो देन सब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ, बाय।